हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10th एंड क्लास 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्लास 10th में और क्लास 12th में हैं और जो 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं पहली बार, और बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो आज का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी जो होती है, कॉपी में टीचर क्या देखकर फुल मार्क्स देता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास कमेंट करते हैं, सर मैंने बोर्ड एग्जाम में 95 नंबर करके आया था, मतलब 95% मैंने करके आया था, फिर भी हमें 60 नंबर मिला, क्यों मिला? वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर मैंने 90 नंबर हिंदी में करके आया था, फिर भी हमें 70 ही नंबर मिले, क्यों मिले? क्योंकि उसका दो तीन कारण है, दो तीन चीजें आपको सुधारनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर आपने वो चीज बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कर दिया ना, तो आपका जो बोर्ड एग्जाम में जो टीचर है वो खुश होकर आपको फुल नंबर देगा, और आप हर एक सब्जेक्ट में 90% स्कोर करोगे, 95% स्कोर करोगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में टीचर क्या देखकर आपको फुल मार्क्स देता है, मतलब आपको कॉपी में क्या करना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले, और क्या देखकर फेल करता है। ठीक है, फेल भी कर देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट को, तो क्यों फेल करते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अगर आपने बोर्ड एग्जाम में 95% करके आया है तो आपको 95 नंबर भी मिलेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, तो अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है, तो आपको कैसे लिखना है? ठीक है, मान लो आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो मैं आप लोगों को जैसा बताऊंगा आप वैसे लिख कर आना, हमारे पास बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, और जैसा मैं बताऊंगा अगर वैसे आपने लिख दिया ना, भले ही आपकी हैंडराइटिंग खराब हो फिर भी आपको 90% मिलेगा। ठीक है, आपकी हैंडराइटिंग खराब है आप उसको सुधारो मत, ठीक है, जैसा भी है सही है, मैं आपको जैसा बताऊंगा वैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते क्या करें, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं जैसे ही बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलता है बस क्या करते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं, जल्दी जल्दी लिखना शुरू कर देंगे, लगता है कि उनके पास समय ही नहीं है। नहीं, आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही आपको क्या करना है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और कोई क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं याद है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं याद है, तो इसी वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप फुल मार्क्स पाओगे। उस ट्रिक से अगर आपने लिख दिया क्वेश्चंस का आंसर ना, तो आप फुल मार्क्स जरूर पाओगे, फुल में फुल मार्क्स। ठीक है, वो ट्रिक अभी तक आपको पूरी YouTube पर किसी ने नहीं बताया होगा, और मैंने भी अभी तक नहीं बताया है, ये बहुत ज्यादा स्पेशल वीडियो है। ठीक है, तो आपको इस ट्रिक से कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। ठीक है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, गारंटी है, बस वो ट्रिक आप लगाना। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर कितना लिखें, कोई क्वेश्चन है मान लो हमारा लॉन्ग है शॉर्ट है, तो हमें कितना आंसर लिखें ताकि हमें फुल मार्क्स मिले, ना मैं ज्यादा लिखूं ना मैं कम लिखूं और हमें फुल मार्क्स मिले। तो आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर कितना लिखना है ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स मिले, वो भी इस वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलता है, क्या ज्यादा पेज अगर हमने लिखा है तो हमें ज्यादा नंबर मिलेगा, वो भी इस वीडियो में अभी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है ना, तो आपका हर एक सब्जेक्ट में 20 से 30 नंबर बिल्कुल फ्री में आपका मिल जाएगा। अगर आपने मान लो कितना आपने 50 नंबर करके आया है, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 80 नंबर, आपका 30 नंबर फ्री हो जाएगा, 30 नंबर आपको फ्री में मिल जाएगा। तो अगर आप 20 से 30 नंबर फ्री में पाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको फ्री में मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। अब सबसे पहले ध्यान से समझो, जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं, जो कुछ ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो इस वीडियो में आपका 95% पक्का आएगा, 95% आप पक्का लेकर आओगे। ठीक है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप 95% लाओगे। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल वीडियो है, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है कैसे क्या करना है वो सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो टीचर है वो आपकी कॉपी में क्या देखता है, क्या देखकर आपको पास या फेल करता है वो मैं आपको बताता हूं। आपकी जो कॉपी है, आपने जो कॉपी लिखा है, उसमें टीचर आपको क्या देखकर पास करेगा, क्या देखकर फेल करेगा, वो चीज मैं आपको एक एक पॉइंट समझाता हूं। ठीक है, अभी मैं आपको कॉपी भी अच्छे से दिखाऊंगा। सबसे पहली हैंड राइटिंग अगर आप अच्छे से लिखे हो तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट है सर हैंड राइटिंग नहीं अच्छी है तो हम कैसे लिखेंगे, तो आओ मैं आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी में समझाता हूं।
अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझो, आपको मतलब सबसे पहले कॉपी की एक तरफ अंडरलाइन करना है, एक तरफ अंडरलाइन करना, दोनों तरफ मत करना, ठीक है, एक ही तरफ अंडरलाइन करना है जैसा मैंने किया है। सेकंड पॉइंट, आपको सबसे पहले स्केच से ये जो आपका कोई भी है, खंड आ है, वा है, सा है, द है, जो भी है, आप अच्छे से डाल दो, ऊपर अच्छे से लिख दो, और स्केच और स्केल की सहायता से अच्छे से बिल्कुल सीधी अंडरलाइन करना। भले ही आपकी हैंडराइटिंग अच्छी ना हो, फिर भी आप ट्राई करना कि आप थोड़ा सा अच्छे से लिखना और अच्छे से लाइन को पाड़ना, ठीक है। फिर आप जो भी प्रश्न उत्तर संख्या कर रहे हो वो डाल देना अच्छे से, और ये अंडरलाइन जरूर कर देना। इससे जो है एग्जामिनर खुश हो जाता है और आपको वर वर के नंबर देता है। क्यों? क्योंकि आपने कॉपी का लिखने का तरीका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने लिखा है, यहां देखो, यह कोई बात नहीं, डॉट डॉट की ओर देखता है। अब इसमें देखो, अच्छे से हेडिंग डाला गया है, अंडरलाइन किया गया है मेन चीज को ब्लैक से, जो मेन चीज है, मतलब मेन, जैसे इसमें पार्ट का नाम, लेखक का नाम मेन है, तो उसको ब्लैक से लिखा गया है, एंड ऐसे रेखांकित अंश का हेडिंग डाला गया है, अच्छे से अंडरलाइन किया गया है और अच्छे से लिखा गया, फुल में फुल नंबर मिला है। ऐसे ही आप लोग नेक्स्ट पेज देख सकते हो, ये ठीक है, 6 में 6 नंबर गद्यांश में इसको मिला है, बट लिखने का तरीका बिल्कुल सही है, एक एक चीज को अच्छे से फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिखा है, ठीक है। तो अगर आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है तो लिखने का तरीका बदलो, आप अंडरलाइन अच्छे से करो, प्रश्नोत्तर संख्या डालो, और अच्छे से ब्लैक ब्लू पेन दोनों का यूज करके आप अच्छे से लिखो। मैं गारंटी लेता हूं आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे आप लिखना, आपको अंडरलाइन अच्छे से करना, हेडिंग अच्छे से डालना है, और आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालना, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डाल देना, ठीक है, और अच्छे से अपनी बातों को लिखना, फालतू को बातों को मत लिखना, ठीक है। तो ये चीज देखकर एग्जामिनर जो होता है, टीचर जो होता है, वो आपको बहुत अच्छा मार्क्स देता है, ठीक है। तो अगर आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी सी भी गंदी है तो आप ऐसे लिखना, आप पास भी होगे, 95% भी लाओगे। अब देखो, देखो खाली पेज, सेकंड नंबर, जो एग्जामिनर होता है, अगर आपने कॉपी में कुछ नहीं लिखा है, ऐसे आपने लिया है, ठीक है, और कॉपी को, और क्या किया है, ऐसे खाली पेज छोड़कर चले आए हो, कुछ लिखा ही नहीं है, तो इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपने कुछ लिखा है तो एग्जामिनर सोचेगा भी कि यार कुछ तो दे दे, अगर आपने कुछ लिखा ही नहीं है तो यहां आपको 0/0 ही मिलेगा। तो आपको ऐसा करना है कि आपको एक भी क्वेश्चन में खाली पेज नहीं छोड़कर आना है, आपको कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड लिख कर आना है। मान लो आपको नहीं आता तो भी आप उससे रिलेटेड लिखो, हेडिंग वगैरह अच्छे से डालो, बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। फिर प्रश्नोत्तर संख्या ना लिखें, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो प्रश्नोत्तर संख्या नहीं लिखते हैं तो इस पर उनको फेल हो जाते हैं, ठीक है। आप प्रश्नोत्तर संख्या जरूर लिखना, फालतू बात, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, नहीं आता है तो वो फालतू की बातें लिख देते हैं, फालतू की बात का मतलब जैसे गाली लिख देते हैं, कसम लिख देते हैं, ठीक है, और गलत शब्द लिख देते हैं, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं करना। नहीं आता, आप कुछ भी लिखो, उस क्वेश्चन से रिलेटेड लिखो, लेकिन ये सब फालतू की बात मत लिखना। ये चीजें जो टीचर होता है वो देखता है, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो आपको नंबर मिलेगा, अगर आपने लिखने का तरीका सही रखा है तो आपको नंबर मिलेगा। खाली पेज आप बिल्कुल मत छोड़ कर आना, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है, सर क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलता है, क्या हमने ज्यादा पेज लिखा है तो क्या हमें ज्यादा नंबर मिलेगा, ये बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है। देखो, ज्यादा पेज लिखने से आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलता, ठीक है, वहां आपके लिखा रहता है कि आपको 80 से 100 वर्ड्स में लिखना है। क्यों लिखा रहता है, वो पागल थोड़ी होते हैं, आपको 60 से 80 वर्ड्स में लिखना है, ऐसा लिखा रहता है, 100 से 120 वर्ड्स में लिखना है। इससे ज्यादा लिखोगे तो भी आपको उतना ही नंबर मिलेगा, और आपने अगर इतना ही लिखा है तो भी आपको इतना ही नंबर मिलेगा, अगर 5 नंबर का है तो 5 ही नंबर मिलेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन में अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, उससे उनको नंबर उतना ही मिलता है जितना अगर आपने कम लिखा है तो, ठीक है। क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं, आपने लिखने का तरीका कैसा है ये सब मैटर करता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न का आंसर जो है, लिखते समय आप 2 से 3 लाइन गैप जरूर छोड़ें। मेरे कहने का मतलब क्या है ये आप समझो, अगर आपने प्रश्न का उत्तर लिखा है, ठीक है, प्रश्न का उत्तर आपने कॉपी में लिखा है, तो सबसे पहले मान लो आपने प्रश्नोत्तर संख्या डाला, प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, ध्यान से समझो, मैं आपको एज ए एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, रेड पेन और कलर पेन का यूज नहीं करना है, ठीक है। ये अब आपने मान लो आपका यहाँ क्वेश्चन खत्म हो गया, तो अब यहाँ आपको दूसरा लिखने देते हैं 1, 2, 3, 2 लाइन तो आपको छोड़ना ही है, फिर आपको अगला प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 2 लाइन आप गैप जरूर छोड़ दो, अगला क्वेश्चन करने से पहले आप 2 लाइन का गैप छोड़ दो, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि भाई कौन सा क्वेश्चन कब खत्म हुआ है, ठीक है, इससे आपके नंबर जो है चांसेस ज्यादा होते हैं मिलने के, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कॉपी,
जैसे देखो ये है हमारा संदर्भ फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, तो मैंने एक लाइन छोड़ा है, ठीक है, मतलब लाइन छोड़ा है। ऐसे ही देखो मैंने क्या करा है यहां, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, देखो आप इंग्लिश में देखो अच्छे से एप्लीकेशन में क्या है, कुछ भी नहीं है, आप इसी चीज को बनाकर बीच में भर दो, आपको नंबर भर के मिल जाएगा। तो क्या टू द प्रिंसिपल एसडी इंटर कॉलेज वजीरगंज सब्जेक्ट, फिर मैंने एक लाइन छोड़ा, फिर सर लिखा, फिर ऐसे मतलब ऐसा लिखा है थोड़ा थोड़ा छोड़ के लाइन ताकि बढ़िया नंबर मिले, ठीक है। तो ऐसे आप लोग लिखना, ओके। तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया। अब देखो सबसे बड़ी बात ध्यान से समझना कि अगर बोर्ड की कॉपी में पैसा रखें या इमोशनल बातें लिखने से नंबर मिलता है। अगर आपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसा रखा है, मान लो 200 का या फिर 500 का या फिर 1000 का, तो मैं आपको बता दूं ये सब फालतू के काम है। वहां कैमरे लगे होते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, इन सबको रखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इमोशनल बातें आप कसम लिख देते हो, गाली लिख देते हो, कुछ भी लिख देते हो, बहुत सारे स्टूडेंट ओम का चिन्ह बना लेते हैं, बहुत सारे 786 ऐसे करके लिख देते हैं, ये सब मत करना, ठीक है। इन सब से आपको नंबर मिलने वाला नहीं है। अब आप जो आता है वो लिखो, जो प्रश्न आधा आता है तो उसका आंसर लिखें या नहीं। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं सर हमें आधा ही क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो हम उसका आंसर लिखें या नहीं, बिल्कुल लिखो, ठीक है। आधा आता है आधा लिखो, फिर आप बना के लिखो, बनाकर लिखो, लेकिन लिखो, आपको नंबर मिलेगा, भर भर के नंबर मिलेगा। आपको आधा आता है आधा लिखो, फिर आधा बना के लिखो, भाई छोड़ना नहीं है क्वेश्चन का आंसर, बस ये समझो, ठीक है। एंड फिर हम लोग आगे का पॉइंट समझेंगे। देखो अब हमारा मेन पॉइंट आता है कि जिस प्रश्न का आंसर बिल्कुल नहीं याद है उसे ट्रिक से लिखना, टीचर खुश होकर पूरा नंबर देगा। अगर आपको जिस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं याद है, मैं आपको बता दूं उसे इस ट्रिक से लिखना जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, आपको जो एग्जामिनर है वो टीचर है वो आपको खुश होकर पूरा नंबर देगा, एक भी नंबर आपका नहीं काटेगा। देखो ये हमारे पास पेपर है, बहुत ज्यादा वायरल पेपर। अब मान लो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, मैं आपको बता दूं आप दो बार मन लगा के ध्यान से पढ़ लो, दो बार आप मन लगा के ध्यान से पढ़ लो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कुसंग का जो सबसे भयानक तथा नीति और सद्विधि का नाश करता है, बल्कि ये बुद्धि कचे नहीं बल्कि संगति, संगति का मतलब होता है मित्र, मित्रता पाठ से लिया गया है, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पता है, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या यहां से यहां तक आप क्या करो, जो भी आता है लिखते जाओ, जो भी मित्र के बारे में जो भी आए लिख दो, आपको नंबर भर भर के मिलेगा, ठीक है। और हाँ, आप जितना सुंदर हो सके, आपको नहीं आता जितना सुंदर हो सके उतना सुंदर लिखो, आपको जो टीचर है वो फुल मार्क्स देगा, ठीक है, छोड़कर नहीं आना बस, ठीक है। और अपना जो बचा हुआ समय है वो पूरा परीक्षा की तैयारी में दो, 100% स्टडी पर फोकस करो, अपना 100% स्टडी पर दो, ठीक है। आपको जो नहीं आता वो भी आ जाएगा, और सभी सब्जेक्ट जरूर पढ़ो। अब आप अपना सारा सब्जेक्ट जरूर पढ़ो, एक सब्जेक्ट नहीं, अब सारा सब्जेक्ट पढ़ना है। और क्वेश्चन बैंक में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसे जरूर याद करो, जो आपका क्वेश्चन बैंक है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको जरूर याद कर लो। मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर आप जरूर सॉल्व कर लो, ठीक है, जरूर ही सॉल्व करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप कि आपको अगर बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आता तो आप ये ट्रिक लगाओगे, आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझाया है, ठीक है। एक एक पॉइंट को अगर आप ये करोगे तो एग्जामिनर जो है, टीचर जो है, खुश होकर आपको नंबर भर भर के देगा, ठीक है। और रूल नंबर एंड आपको अपना हस्ताक्षर ये सब याद रखना। और बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर कौन से पेन का यूज करेंगे, तो देखो आपको ये सारा जो मैं यूज कर रहा हूं ये सब जेल पेन है, इन सब का यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। आपको क्या करना है, डॉट पेन लेना है, डॉट पेन आपको मार्केट में मिल जाएगा, जो आप डेली लिखते हो, पढ़ते हो अपनी कॉपी में, लाइक आप पूरा साल जो पेन यूज किया है उसी को यूज करो, ठीक है। और एक ब्लैक स्केच का यूज करना बस, एंड स्केल का बस, ठीक है। ये सब पेन मत यूज करना, ये सब हमारा जेल पेन है, ठीक है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको कुछ नहीं आता ये काम करना है, टीचर आपको खुश होकर नंबर देगा, ठीक है, फुल नंबर। तो आज के इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।